अस्सलामुअलैकुम, किचन विद साइमा दाऊद में वेलकम है। तो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर हरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। तो आज मैं आपके साथ एक आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लिए हैं मैंने प्याज, दो बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज। ये हैंड चॉपर है, इसके अंदर मैं इसको चॉप करूँगी। तो चलिए सबसे पहले प्याज को चॉप करते हैं। इसको मैंने छील यूँ मोटा मोटा काट लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, काट कर हैंड चॉपर के अंदर डाला है। तो अब मैं इसको चॉप करती हूँ, आपको दिखाती हूँ ये कैसे चॉप होगा। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, ये जो हैंड चॉपर है इससे काम आपका आसान हो सकता है। कोई भी चीज़ आप इसमें चॉप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसमें प्याज चॉप करें, या फिर अदरक लहसुन को, या फिर आप इसमें वेजिटेबल को भी चॉप कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चॉप होगा इसमें। तो ये इसको मैं कर लूँ चॉप, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को कर लिया है हमने चॉप, दिखाती हूँ मैं आपको ये खोल के, ये देखें, ये देखें प्याज कितना अच्छा चॉप हुआ है। इसको आप इस तरह से चॉप करके ऑमलेट में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदे की चीज़ है, ये जो चॉपर है, हैंड चॉपर। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अब मैं प्याज डालने लगी हूँ पतीली में, जो मैंने चॉप किया है। मैंने एक चम्मच घी का इसमें डाला है, आप चाहें तो इसमें ऑयल डाल सकते हैं घी की जगह। तो अब मैं इसको ज़रा भूनती हूँ प्याज को, ताकि इसका कच्चापन जो है। तो अब मैं चॉपर में लहसुन और अदरक को चॉप कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैं चॉप करके डालूँगी। प्याज हो चुका है ब्राउन, तो अदरक लहसुन मैंने डाल दिया इसमें चॉप किया हुआ। अब इसको मैं भूनूंगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो। प्याज और अदरक और लहसुन भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी एक अदर टमाटर काट के। टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है काट के। अब मैं इसमें शामिल करूंगी मसाले, एक टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है इसमें, एक टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, और हाफ टेबल स्पून नमक। मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, अब मैं इसको ज़रा भूनूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ, ताकि जो मसाले हैं वो भूलते ना लगे। तो मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने आपको पसंद है। अब मसाले को हम ज़रा भूनेंगे। तो इसको मैं कर देती हूँ ऊपर से कवर, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी बन जाए। देखते हैं अब मसाला हमारा भुन चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये हैंड चॉपर का कमाल है, ये देखें
प्याज आपको कहीं भी साबुत नजर आ रहा हो, ये देखिए कितना अच्छा सा ये मैश हुआ है, कहीं भी प्याज नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छा मसाला हमारा तैयार हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू मटर, तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मटर। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो मटर मैंने डाल दिए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू मटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, अब मैं इसको ज़रा करती हूँ मिक्स सब्जी को। इसको मिक्स करके मैं ऊपर से कर दूंगी कवर, ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बाद में मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी, अब मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। आलू मटर कहाँ तक पहुँचे, तो ये देखें आलू मटर बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। क्योंकि मुझे चाहिए शोरबा, मैं इसके साथ बनाऊंगी चावल। आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं रोटियों के साथ, तो मैं इसमें शोरबा करूंगी। मुझे जितना शोरबा चाहिए उतना मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। चलें अब इसको कर देती हूँ मैं ऊपर से कवर, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं सब्जियाँ। चलें जी, आलू मटर पक के हमारे तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट, फाइनल लुक का आपको बाद में दिखाएं। चलें जी, आलू मटर हमने डिश आउट कर दिया है और अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आई है फाइनल लुक इसकी, देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।